वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशुम मजमून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 16 कायनात की रंगारंगी इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 16 कायनात की रंगारंगी सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, हमें पहचानिए। इसका अलिफ है सितारों के पैदा होने का मकाम, तो इसका जवाब लिखना होगा गर्द के जर्रात और हवा का बड़ा सहाबिया। बे है निजाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा, तो इसका जवाब है मुश्तरी। जीम है हमारे करीब की कहकशां, तो इसका सही जवाब लिखना होगा देवयानी। दाल है निजाम शमसी का सबसे रोशन सैयारा, तो इसका जवाब है जोहरा। हे है सबसे ज़्यादा ज़ेली सैयारे रखने वाला सैयारा, तो इसका सही जवाब है मुश्तरी। वाव है हमें एक भी ज़ेली सैयारा नहीं, तो इसका जवाब है अतारुद और जोहरा। ज़े है मेरी महवरी गर्दिश दूसरे सैयारों से जुदा है, तो इसका सही जवाब है मुश्तरी। और है मुझे दुम है, तो इसका जवाब लिखना होगा दुमदार सितारा। तो इस तरह हमें सवाल नंबर 1 हल करना होगा। अब सवाल नंबर 2 है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो इसका अलिफ है हमारी कहकशां जिन दूसरी कहकशाओं के मजमुए में है उस मजमुए को खाली जगह कहते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा मकामी कहकशाओं का मजमुआ। बे है दुमदार सितारे के सख्त हिस्से को खाली जगह नाम से जाना जाता है, तो इसका जवाब है मुंजमिद माए। जीम है सैयारा खाली जगह लुढ़कते हुए हरकत करता है, तो इसका सही जवाब लिखना होगा यूरेनस। दाल है खाली जगह तूफान ज़्यादा सैयारा है, तो इसका सही जवाब है मुश्तरी। और है दुमदार सितारा खाली जगह सितारे की बेहतरीन मिसाल है, तो इसका सही जवाब है मुतगैर। अब सवाल नंबर 3 है, ज़ील के बयानात सही हैं या गलत, गलत बयानात को सही करके लिखिए। इसका अलिफ है सैयारा जोहरा सूरज से करीब तरीन सैयारा है, तो ये बयान गलत है। और इसका सही बयान है सैयारा अतारुद सूरज से करीब तरीन सैयारा है। अब बे है नेपचून को तूफान ज़्यादा सैयारा कहते हैं, तो ये बयान गलत है। और इसका सही बयान है मुश्तरी को तूफान ज़्यादा सैयारा कहते हैं। अब जीम है मुश्तरी सबसे बड़ा सैयारा है, तो ये बयान सही है। अब सवाल नंबर 4 है, दर्ज झील सवालों के जवाब लिखिए। इसका अलिफ है सैयारा मिर्रिख की क्या खसूसियात हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा सैयारा मिर्रिख की दर्ज झील खसूसियात हैं नंबर 1 मिर्रिख निज़ाम शमसी का चौथा सैयारा है, नंबर 2 मिर्रिख की मिट्टी में लोहे की मौजूदगी की वजह से इसका रंग सुर्खे मायल नज़र आता है, नंबर 3 मिर्रिख पर निज़ाम शमसी का सबसे ऊंचा और लंबा पहाड़ ओलंपस मांस मौजूद है, नंबर 4 मिर्रिख के 2 ज़ेली सैयारे हैं, और नंबर 5 इसकी महवरी गर्दिश का वक्फा तकरीबन 24 घंटे 27 मिनट है और मदारी गर्दिश का वक्फा 188 साल है। अब इसी का बे है कहकशां की अहम किस्में कौन सी हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा कहकशाओं की किस्में उनकी शक्लों के लिहाज से बनाई गई हैं, शक्ल के लिहाज से पेचदार नामुकम्मल पेचदार बैजवी और गैर मुनज़्ज़म ये कहकशाओं की किस्में हैं। अब उसी का जीम है आकाशगंगा में किस किस का शुमार होता है, तो इसका जवाब लिखना होगा आकाशगंगा में हमारे सूरज से छोटे उसी तरह जसामत में हज़ारों गुना बड़े सितारे, सितारों के झुरमट सहाबिया हवा के बादल धुएं के बादल मुर्दा सितारे नए वजूद में आने वाले सितारे इन सारे फलकी अजसाम का शुमार आकाशगंगा में होता है। अब उसी का दाल है सितारों की किस्में बताइए, तो इसका जवाब है सितारों की दर्ज ज़ैल किस्में हैं नंबर 1 सितारों में कुछ ज़्यादा रोशन तो कुछ मध्यम होते हैं, नंबर 2 सितारे नीले सफ़ेद पीले सुर्ख ऐसे मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, और नंबर 3 खुद की चमक तब्दील करने वाले सितारे भी आसमान में मौजूद हैं। अब उसी का है दुमदार सितारों की किस्में कौन सी हैं
किस बिना पर? तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा हुआ है, दुमदार सितारों को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। नंबर एक, तवील मुद्दती दुमदार सितारे, और नंबर दो, कलील मुद्दती दुमदार सितारे। दुमदार सितारों को सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना अरसा दरकार होता है, इस बिना पर दुमदार सितारों की किस्मों की तकसीम की जाती है। अब उसी का वाव है, शहाब साकिब और शहाबा में क्या फ़र्क है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, शहाब साकिब ज़ेली सैयारों के पट्टे से गिरने वाले चट्टानों के टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े ज़मीन की फिज़ा में दाखिल होते हैं तो फिज़ाई कुर्रे से रगड़ खाने की वजह से पूरी तरह जल जाते हैं, इन्हें शहाब साकिब कहते हैं। बाज़ दफ़ा ये टुकड़े पूरी तरह न जलकर ज़मीन की सतह पर आ गिरते हैं, इन्हें शहाबी पत्थर या शहाबा कहते हैं। अब उसी का है सैयारा नेपच्यून की क्या खसूसियात है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, सैयारा नेपच्यून की हस्ब ज़िल खसूसियात है। नंबर एक, नेपच्यून निज़ाम शमसी का आठवां सैयारा है। नंबर दो, नेपच्यून पर एक ही मौसम तकरीबन 41 बरस तक रहता है। नंबर तीन, इस सैयारे पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। नंबर चार, इसके ज़ेली सैयारों की तादाद 13 है। नंबर पाँच, इसकी झुकाव का ज़ाविया 28.8 दर्जा है। नंबर छः, इसकी महवरी गर्दिश का वक्फ़ा 16 घंटे 11 मिनट है। नंबर सात, इसकी मदारी गर्दिश का वक्फ़ा 164 साल है। और नंबर आठ, इस सैारे में मकनातीसियत होती है, फिज़ा होती है और हल्के की मौजूदगी भी पाई जाती है। अब सवाल नंबर पाँच है, जोड़ियाँ लगाइए। तो सुतून अलीफ के सुतून बे से सही जोड़ियाँ लगानी होंगी, और आप चाहें तो इसके जवाब आगे कॉलम बनाकर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ जोड़ियाँ बनाकर बताई हैं। तो इसका अलिफ है कहकशां, कहकशां की सही जोड़ी हमें नंबर तीन पेचदार शक्ल से लगानी होगी। बे है दुमदार सितारा, तो इसकी जोड़ी हमें नंबर पाँच हेली से लगानी होगी। जीम सूरज जैसा सितारा, तो इसकी जोड़ी हमें नंबर चार शौरा या सख सितारा से लगानी होगी। दाल जहल, इसकी जोड़ी हमें नंबर दो 33 ज़ेली सैयारे से लगानी होगी। और है जहरा, तो इसकी सही जोड़ी नंबर एक मशरक से मगरिब की जानिब इससे लगानी होगी। तो इस तरह सही जोड़ियां मुकम्मल करनी होंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालों के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।